आज भी वो दिन याद है जब 1 सितंबर 1994 को खटीमा में गोलीकांड हुआ था, जिसमें कई लोग शहीद हो गए थे। जिसके बाद खटीमा गोलीकांड के विरोध में हजारों की संख्या में राज्य आंदोलनकारी मसूरी गढ़वाल टेरेस से जुलूस निकालकर उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के ऑफिस झूलाघर जा रहे थे। मसूरी के झूलाघर के समीप संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यालय में आंदोलनकारी 1 सितंबर को ऊधम सिंह नगर खटीमा में हुए गोलीकांड के विरोध में क्रमिक अनशन कर रहे थे। इस दौरान पीएसी और पुलिस ने आंदोलनकारियों पर बिना पूर्व चेतावनी के अकारण ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी, जिसमें 6 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। इसमें 2 महिलाएं भी शामिल थी, बेलमती चौहान और हंसा धरई। बाकी 4 में बलवीर सिंह नेगी, धनपत सिंह, मदन मोहन ममगई और राय सिंह बंगारी आंदोलन में शहीद हुए थे। बताया जाता है कि गोलीकांड इतना भयावह था कि एक महिला आंदोलनकारी बेलमती चौहान के सर से बंदूक सटाकर गोली मारी गई थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इन 6 आंदोलनकारियों के अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के ही डीसीपी उमाकांत त्रिपाठी भी इसमें मारे गए थे। बताया जाता है कि वे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने के पक्ष में नहीं थे और इसलिए यूपी पुलिस ने उन्हें भी गोली से मार गिराया। उस भयावह दिन को याद करते हुए राज्य आंदोलनकारियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। ये 2 सितंबर 1994 की बात है और शांतिपूर्ण तरीके से जो है रोज की तरह जो है हमारा जुलूस आंदोलन निकलता था। स्कूल कॉलेज रोज की तरह बंद होते थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होता रहता था। परंतु घटना क्या घटी कि 1 सितंबर को हम सबको ये पता चला कि खटीमा में गोलीकांड हो गया। उसकी वजह से जो है सब लोग गुस्साए हुए थे और 2 सितंबर को सुबह सुबह सब ने जो है अपने अपने घरों से निकलना शुरू कर दिया था। घर से निकलते हुए सब लोग लंडौर बाजार गए। लंडौर बाजार हमारे आदरणीय श्री पवार जी भी उसको लीड करा करते थे। इनके साथ चलते चलते जनता जुड़ती गई। सबके दिलों में ये उस समय खून खौला हुआ था कि 1 सितंबर को जो गोलीकांड हुआ वो बहुत गलत हुआ। उसके प्रशासन के खिलाफ वो नारेबाजी करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि इतनी भीड़ थी कि 10,000 की संख्या में जो है लोग जुलूस में शामिल थे। और जुलूस अपने आप में स्फूर्तिदायक था। उत्तराखंड आज दो अभी दो के नारे लगाते लगाते हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग जा रहे थे। हम लोग जो यूथ लीडर थे, हम हो गए मनमोहन सिंह मल जी हो गए, सब लोग जो हम लोग 1 सितंबर को पौड़ी चले गए थे। परंतु 2 को जो हमारे सीनियर लीडर थे वो यहाँ लीड करते हुए जा रहे थे, जिसमें हमारी बहनें भी थी, माताएं भी थी, सब थे। शांतिपूर्वक जुलूस जब निकल रहा था तो इतने में देखा कि जो हमारा शहीद स्थल का, जहाँ पर आज शहीद स्थल बोलते हैं, ये हमारा जो है हमारा पार्टी का ही ऑफिस था, जो उस समय तत्कालीन उत्तराखंड की लड़ाई लड़ रहा था, उसके सारे मार्गदर्शन सारे दिशा निर्देशन उसी ऑफिस से दिए जाते थे। जब यहाँ से जाते हुए हमारी माताएं बहनों ने देखा कि हमारे ऑफिस में जो है पीएसी घुस गई है और वो हमारे सारा सामान जो अंदर रखा हुआ था, रजिस्टर थे, जो जो हमारे झंडे बैनर रहते थे, उन सबको उन्होंने फेंक दिया। हम उनको देखने के लिए जैसे हमारी माताएं बहनें अंदर गई तो उधर से जो है फायरिंग शुरू होने लग गई। जब फायरिंग शुरू होने लग गई तो लोगों को पहले तो 5 मिनट पता ही नहीं चल पाया कि ये हो क्या रहा। जब लोगों ने देखा कि उनके साथ के लोग ज़मीन पर गिर रहे हैं, तब पता चला कि साहब ये तो जो है पुलिस ने फायरिंग कर दी है, जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उसमें हमारी मसूरी के हमारे भाई बहन 6 लोग उसमें शहीद हुए और वो शहीद का उस समय का जो मातम था इतना डरावना और ख़तरनाक था जो आज तक जो लोगों के दिलों में। लेकिन उसके बाद भी संघर्ष हमारा कम नहीं हुआ, हम उस संघर्ष को जारी रखते हुए चलते रहे और उसका परिणाम रहा कि 2000 में हमको उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुई। उस समय तो बहुत ही भयावह मंजर था। 6 लोगों ने यहाँ उत्तराखंड आंदोलन में शहादत दी और साथ में इसमें एक हमारे पुलिस अफसर भी थे, उमाकांत त्रिपाठी जी, उनकी भी शहादत को हम लोग याद करते हैं। वो भले ही सरकारी अफसर थे मगर वो जहाँ तक हमें जानकारी है वो जुलूस में गोलीकांड के विरुद्ध खड़े थे, जिसे उस समय की पुलिस ने उन्हें जानबूझ के मार दिया। तो हम उनको भी शहीदों की श्रेणी में ही रखते हैं। उस समय का मंजर तो हम जैसे सभी लोगों ने, सभी जगह यहाँ बंद थी, बच्चा सड़कों पर था, महिलाएँ हमारी सड़कों पर थी और स्कूल कॉलेज सभी लोग ने हमने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया और उसी के फलस्वरूप उसी का नतीजा है कि हम लोगों को ये उत्तराखंड प्राप्त हुआ। किंतु उत्तराखंड प्राप्त होने के बाद कुछ राजनीतिक कारणों से कह सकते हैं या जो भी हो, जो विकास हम लोगों ने चाहता वो हमको नहीं हो मिल पाया। जो 2 सितंबर का दिन है मसूरी वासियों के लिए बहुत ही अहमियत वाला दिन है। इसमें हमारे पिताजी ने भी अपनी शहादत दी, इसके अलावा और भी 5 लोग अन्य थे, एक हमारे पुलिसकर्मी भी थे जिनकी यहाँ इसमें शहादत हुई है। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि शहीदों ने जो अपनी कुर्बानी दी है उसमें हम लोग कितना, हमको उसका कितना परिणाम मिला, यहाँ पे बड़े दुख के साथ यह हमको कहना है
कि जैसी उन लोगों ने उस समय के आंदोलनकारियों ने परिकल्पना की थी उत्तराखंड का समाज ऐसा होगा, उत्तराखंड ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, उसके कहीं भी हम आसपास नहीं पहुंच पाए। आए दिन भर्तियों के घोटाले, अन्य कई चीज़ें उजागर हो रही हैं, इससे बड़ी आम जनमानस में बड़ी पीड़ा होती है। और इस प्रकार अगर हमारे सपने, यहाँ के लोकल जनता के सपने पूरे नहीं हुए तो उत्तराखंड बनने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। देखिए 22 वर्षों में अलग अलग गवर्नमेंट्स रही हैं, और अगर हम समग्रता में, इन टोटैलिटी में अगर विश्लेषण करें, सिंहावलोकन करें, समीक्षा करें, तो जिस मूल अवधारणा से इस राज्य के लिए संघर्ष, बलिदान, त्याग और सब कुछ हुआ था, लग रहा है कि अभी मूल अवधारणा दूर है। मूल अवधारणा क्या थी कि पहाड़ की पहाड़ जैसी कठिनाइयों के समाधान हो, उन समस्याओं का समाधान हो, तो वो पहाड़ जैसी कठिनाइयाँ अभी समाधान की ओर अग्रसर हैं, अभी बहुत सी चीज़ों का समाधान होना शेष है। खटीमा और मसूरी गोली कांड के बाद आंदोलन ने तेजी पकड़ ली और 9 नवंबर 2000 को 42 शहादत के बाद पृथक राज्य की प्राप्ति हो पाती है। लेकिन आज तक खटीमा और मसूरी गोली कांड के दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है। उत्तराखंड तक उन सभी आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों को तहे दिल से नमन करता है। वहीं जो सपना आंदोलनकारियों ने देखा था पहाड़ के लिए, वो आज भी सार्थक नहीं हो पाया है, जैसा कुछ आंदोलनकारियों ने अभी बताया। तो ये थी मसूरी से हमारे सहयोगी सुनील सिलवार की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।